सो हे गाइस, तो फिर आज मैं आपको माइनक्राफ्ट में एक एलिवेटर बनाने सिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको जहाँ से ऊपर जाना, वहाँ पर ऐसे दो ब्लॉक डिक कर लेना है। अब आपको ऐसे करके आपको कोई भी रैंडम ब्लॉक है जिससे आपको पसंद है ऐसे आपको लगाना चाहिए, तो आगे यहाँ यहाँ पर नहीं लगाना है, ठीक है। और आपको जितने ऊपर तक जाना है आपको उतने ऊपर तक इस पिलर को ले जाना है कोई भी रैंडम ब्लॉक से। उसके बाद आपको यहाँ लेफ्ट साइड में सोल सैंड और राइट साइड में मैग्मा क्यूब लगाना है। अब यहाँ से एकदम ऊपर चल जाना है और अब आपको ये जो सामने वाला साइड है, रुके पहले वो चीज़ दे रहा, ऐसे करके आपको पूरा जितने ऊपर तक लेना है ले जाना है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं इतने ऊपर तक। और जैसे यहाँ पे आपको ना दो डोर लगा देना है सामने में, ऐसे बीच में एक ब्लॉक गैप छोड़ के। उसके बाद आपको यहाँ पे दो ब्लॉक बस इतना, ये दो इसको खुला रखना है हमेशा के लिए। फिर बस आपको यहाँ पे दो ब्लॉक छोड़ के अब आपको यहाँ सामने से पूरा अपना ग्लास लगा देना है। और यहाँ से आपको सामने में जितने भी मतलब ऐसे आपको रेक्टेंगल टाइप का स्क्वायर बनाना है। और अब आपको यहाँ पे पीछे में तीन जगह में आपको मतलब नॉर्मल ब्लॉक लगाना है, और यहाँ सामने में एक नॉर्मल सा ये क्या बोलते हैं ये ग्लास, क्योंकि वो अच्छा लगेगा दिखने में। आप कोई भी ब्लॉक लगा सकते चाहे तो, लेकिन ग्लास अच्छा दिखता है दिखने का। तो फिर ऐसे ही हमको जहाँ तक जाना है तो ऐसे ही इधर साइड में नीचे में दो ब्लॉक छोड़ के ऐसे ही आपको यहाँ से जितना ऊपर लेना साइड साइड में तीनों तरफ से पिलर और सामने से ग्लास, ठीक ना। तो फिर और यहाँ पे क्या बोलते हैं डोर लगा देना और ऐसे ऊपर जाकर ऐसे ही वो चीज़ बना देना है। रुके मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे बनाना है ऊपर जाकर। तो फिर आप जैसे कि देख सकते हो ऊपर में मैंने ऐसे बना दिया है, मैंने इसे पूरा ही कंप्लीट कर दिया है बोले तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें ऐसे किया था और अब मैंने ऐसे किया आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें मैंने नीचे पानी भर दिया, ऊपर से गिरा दिया पानी और ऐसे कल्प लगाते लगाते एकदम ऊपर तक चल गया दोनों जगह में। और कल्प से फिर क्या बोलते हैं इसमें अनलिमिटेड सोर्स हो गया पानी का, जिससे अप डाउन हो रहा है सोल सैंड पानी को ऊपर निकल रहा है और मैग्मा ब्लॉक नीचे खींच रहा है। ये माइनक्राफ्ट के मतलब कि यही फैक्ट है कि ऊपर और नीचे जाता है। तो फिर आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दरवाजा लगाया और सोल सैंड तक मैंने यहाँ पर लिख दिया है अप और इधर साइड में लिख दिया है डाउन। तो फिर आप जैसे देख सकते हैं मैं सोल सैंड रख जाऊँगा तो फिर ये मुझे अप ले जाएगा, क्योंकि मैं इसमें हूँ। और आप देख सकते हैं मैं अप जा रहा हूँ और यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा, जैसे कि मैंने ऊपर मैसा बनाया था आपने देख ही लिया था। फिर मैंने इधर साइड में डाउन लिख दिया और मैं इधर से डाउन भी चल जाऊँगा अब जैसे कि देख सकता है। और अगर आपको ये एलिवेटर का वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ऐसी और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा। के लिए बाय बाय, फिर से मिलते कल अगले वीडियो के साथ।